नमस्ते दोस्तों, हम आपको 12 ए कार्टेज की रिफिलिंग के बारे में बताएंगे। 12 ए कार्टेज जो मार्केट में आ रही है कंपेटेबल कार्टेज, उसको कैसे रिफिल करते हैं मैं उसका इजी तरीका बताऊंगा। बहुत ही इजी तरीका है, आप घर पे अपने शॉप पे आराम से रिफिल कर सकते हो। तो ये चलिए, ये मेरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ 12 ए कार्टेज है मेरे पास में, ये मार्केट की 12 कार्टेज कंपेटेबल कार्टेज है। तो इसको कैसे रिफिल करते हैं, ये प्रिंटेड की कार्टेज है 12 ए की, ये कंपेटेबल कार्टेज है, उसकी प्राइस भी सस्ती है और उसके रिफिल करने का तरीका भी बहुत ईजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, टाइम न बर्बाद करते हुए सीधे कार्टेज पे आते हैं और कार्टेज को रिफिल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 मिनट के अंदर मैं कार्टेज आपको रिफिल करके दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, ये मेरे पास में कार्टेज है। इस कार्टेज का सबसे पहले क्या करेंगे, ये ड्रम का जो साइड गेयर, ड्रम के जो गेयर वाले साइड है उसके ठीक विपरीत साइड का पोर्शन, ये पोर्शन है आपको ओपन करना है और दूसरा ओपन नहीं करना है। ओपन करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम हटा लेते हैं, ये हमने स्प्रिंग हटा ली है। उसके बाद में ये जो स्क्रू है उस स्क्रू को भी हम हटा लेते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ, ये इजी तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। और इसके बाद में ये जो ड्रम कवर है उसको हम ये साइड में करेंगे, तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, लॉक साइड कटर की सहायता से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है, ये बाहर निकल जाएगा लॉक। आपको केवल ये 3 हटाना है, उसके बाद में ये खुल जाएगी, कार्टेज खुल जाएगी। खुलने के बाद में आपको क्या करना है, उसको साइड में बाहर निकाल के ये जो कवर है उसको सीधा बाहर निकाल लेना है। ये कवर हटा लिया, उसके बाद में ये जो टैंक का ढक्कन है, टैंकिंग का, उस टैंकिंग के ढक्कन को बाहर निकाल लेना है। ये टैंकिंग का ढक्कन खोल लिया, ये खोलने के बाद में हमारे पास में ये इंक है, इसी कंपनी की मेरे पास में इंक है, उस इंक को डाल देनी है। तो देखिए मैं आपके सामने इंक डाल रहा हूँ, ये देखिए आपको शायद अंदर जाती हुई नज़र आ रही होगी, ड्राई पाउडर है इसलिए बाहर ज़्यादा नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ज़्यादा उड़ता है, बहुत महीन है। इसको हिलाते रहिए, ये देखिए ड्राई पाउडर है, हम रिफिल कर रहे हैं। और हमने ये पाउडर वगैरह डाल दिया पूरा, ये पूरा खाली कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये जो ढक्कन है उस ढक्कन को लगाते हैं, उसके बाद में उस कवर को लगा देते हैं और वापस पूरी पैक कर देते हैं। ये लॉक, सबसे पहले ये लॉक पकड़ते हैं और ये लॉक लगाते हैं। साइड में ये जो स्प्रिंग है टेढ़ी हुई उसको हम सीधी कर देते हैं, ये स्प्रिंग को सीधी कर दिए। उसके बाद में ये स्क्रू लगा देते हैं, ये स्क्रू लगा दिया। और तो में क्या करते हैं, ये जो अपने पास में जो स्प्रिंग है, ड्रम वाली स्प्रिंग, साइड स्प्रिंग, उसको ज़रूर लगानी है क्योंकि यदि ये नहीं लगाते हैं तो प्रिंट सही नहीं आएगा। तो ये हम स्प्रिंग लगा दिए, तो ये कार्टेज हमने रिफिल कर ली है। इस टाइप से कार्टेज रिफिल करते हैं, न तो यहाँ पे कोई इंक बिखरी हुई है और ना ही हम ब्लैक हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं वो पूरी कार्टेज ओपन कर लेते हैं फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, इंक भी इधर उधर बिखर जाती है। तो दोस्तों, ये जो मेरा कार्टेज रिफिल करने का जो आपको मैंने तरीका बताया, ये तरीका आपको कैसा लगा है, यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में मेरा वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए, ताकि मैं नया वीडियो आपके लिए इस प्रकार से लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।